नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको माइडिया डिशवॉशर के रिव्यू और उसके डेमो के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बेसिकली आपको डिशवॉशर में अपने बर्तन साफ़ करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें फर्स्ट है आपका डिटर्जेंट, सेकेंड आपका रहता है सॉल्ट, और थर्ड रहता है आपका रिनसेड। ओके, ये नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, आप किसी भी ब्रांड का प्रेफर करके आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेन फ्री डिटर्जेंट है जो कि अच्छा होता है। आप बाकी अदर ब्रांड के भी आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम डिशवॉशर के अंदर जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके डोर पे दो रैचेट दिए रहते हैं, जिसमें हमारा रिनसेड और हमारा डिटर्जेंट हमें उसको फिलअप करना पड़ता है। ये एक ऑप्शन है, आसानी से इसे खोल सकते हैं। इसमें अपना रिनसेड जो एक लिक्विड रहता है उसको हम इसमें पुट करेंगे। इसको हम फुल भी कर सकते हैं, बट हम अभी नॉर्मल जितना हमको रिक्वायरमेंट है कुछ बर्तनों के लिए हम उतना ही यूज कर रहे हैं। और उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमारा डिटर्जेंट वाला पोर्शन है जिसमें हमको डिटर्जेंट फिलअप करना है। इसको भी आसानी से हम खोल सकते हैं, आसानी से क्लोज कर सकते हैं। अभी हम एच पर हमारे जितने कम यूटेंसिल्स हैं उनके लिए हम कम ही डालेंगे। आप चाहें तो इसको फुल भी कर सकते हैं। नहीं, नॉर्मली आपको एक डेमो के लिए हमने उतना ही यूज किया है, इसको बंद कर दिया गया। ये सेकंड जिसमें रिनसेड भी हम फुल कर सकते हैं, वो एक बार रिनसेड फुल करने के बाद वो कम से कम एक वीक तक चलता है। अभी इसको हमने बंद कर दिया है प्रॉपरली। अभी थर्ड है हमारा साल्ट। तो साल्ट हम बेसिकली वाटर को जो हार्डनेस लेवल है उसको कम करने के लिए हम यूज करते हैं। जहाँ पे वाटर का हार्डनेस ज़्यादा है वहाँ पे हम बेसिकली इसको ज़्यादा यूज करते हैं। जहाँ पे ऑलरेडी वाटर सॉफ्ट है वहाँ हम इसको यूज करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बेसिकली ये साल्टेड जो रहता है ये मशीन के डाउनवर्ड साइड में हमको पुट करना पड़ता है। ये इसमें माइडिया में दो रैक्स आती हैं, उन रैक को हम ईजिली आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। ये जो पोर्शन हमको दिख रहा है इसमें हमको साल्ट पुट करना है। इस साल्ट को हम फुल भी कर सकते हैं। इसका 1.5 केजी का कैपेसिटी का बॉक्स है, वो पॉकेट है, बट एज पर रिक्वायरमेंट हम नॉर्मली उसमें डालेंगे, उसको फिल कर लेंगे। अगर ये आजू बाजू में गिरता है तो उसके लिए हम इसका एक के साथ एक सेटअप आता है, उसके थ्रू हम डाल देंगे तो यहाँ वहाँ फैलेगा नहीं। ओके, तो बेस्ट क्वालिटी है, नॉर्मली हमको फ्लिपकार्ट पे 30,000 में अवेलेबल है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है फ्रॉम माइडिया। तो हमने इसको यूजली बंद कर लिया गया। नॉर्मली इसके देखो दो रैक्स हैं, इसमें रैक को आसानी से हम पुट भी कर सकते हैं। कीप इन माइंडेड ऑलवेज कीप योर यूटेंसिल इन द डाउनवर्ड फेस डाउनवर्ड, तो जब हम इसको अपर साइड रखेंगे तो इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि पानी का प्रेशर जो है नीचे से स्टार्ट होता है। सेकंड, हम ऊपर वाले पोर्शंस में जो हमारे बड़े बड़े या छोटे बर्तन लाइक कप हैं, कटोरीज हैं, ये हम यहाँ डाल सकते हैं। नीचे वाले पोर्शंस में जो बड़े बड़े थाली रहते हैं वो हम वहाँ रखते हैं। तो प्रॉपरली जैसे कि यहाँ पे फेस डाउनवर्ड किया गया है उसी टाइप से हमको फेस करना है। इसको हम बंद कर देते हैं प्रॉपरली, इसको अब हम क्लोज करेंगे। अब हम चलते हैं इसके अदर जो ड्रेनेज पाइप में, इसमें दो टाइप के ड्रेनेज पाइप आते हैं, एक इनलेट एक आउटलेट। इनलेट हमको पानी से कंटिन्यू उसको सप्लाई लगता है, कंटिन्यू उसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो विद द हेल्प ऑफ नोजल हमने इसको कनेक्ट किया है, एंड आउटलेट के पाइप को भी हमने पीछे से निकाल के इसको यू शेप में डालना है ताकि पानी प्रॉपरली स्लोप से नीचे निकलता रहे। इसको हमने प्रॉपरली सेटअप कर रहे हैं। इसको यहाँ से हम वाटर का इसको जो सप्लाई है उसको ऑन कर देंगे। अभी जस्ट हमको कुछ नहीं, प्लग इन से इसको ऑन करना है डिशवॉशर को। ऑन करने को यूज करना काफ़ी सिंपल है इसका। इसमें 7 हमको प्रोग्राम्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, अभी हम दिखाएंगे आपको। एंड प्रोग्राम्स का जो विकल्प है वो ऑलरेडी उस पर मैंशन भी किया गया है। मैं इसको P2 प्रोग्राम पे सेट कर रहा हूँ। इसमें 7 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम हैं। प्रोग्राम 1 P1 में अगर हम सेंड करते हैं, P1 में क्या है जो हमारे हाईली लाइक हैवीएस्ट सॉल्ट क्रॉकरीज हैं, नॉर्मल सॉल्ट पोट्स हैं, पैन डिशेस विद ड्राइड ऑन फूड,
उनको हम डालेंगे इसमें, जो बहुत ही ज़्यादा रस्टेड हैं उनको इसमें डाल के P1 में हम सेट करेंगे। इसमें प्रॉपर उसका रनिंग टाइम एंड साइकिल पूरा मेंशन किया हो गया है कि कितने घंटे में आपका ये क्लीनिंग होगा। सेकंड इकोनॉमी मोड है P2 मोड। इकोनॉमी मोड को जनरली हम डालते हैं तो उसमें 90 मिनट्स का साइकिल रहता है, 65 डिग्री का स्टीम्ड जो है ना टेम्परेचर उसके अंदर रहेगा। थर्ड इज ग्लास P3। P3 प्रोग्राम ग्लासेस में जो नॉर्मल हमारे कप्स हैं ग्लासेस हैं उसको हम P3 प्रोग्राम पे लगा के स्टार्ट करते हैं। और फोर्थ है 90 मिनट प्रोग्राम। इफ़ यू नीड अ क्विक वॉश, क्विक वॉश के लिए हम 90 मिनट्स का प्रोग्राम P4 भी यूज कर सकते हैं, जो बेसिकली 90 मिनट्स के अंदर आपको क्लीन करके आपके यूटेंसिल्स आपको दे देगा। एक रैपिड है, रैपिड में हमारे नॉर्मल जो हम कप्स हैं ग्लासेस हैं ये हम रैपिड में यूज करते हैं। हमको इंस्टेंटली बहुत जल्दी 15 मिनट्स के अंदर हमको अगर बर्तन क्लीन करने हैं उसको ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है अगर हमको, तो हम रैपिड भी यूज कर सकते हैं। एंड P6 प्रोग्रामिंग सेल्फ क्लीनिंग। अभी इसको सेल्फ क्लीनिंग के लिए भी एक प्रोग्राम दिया गया है, ये आप जब प्रोग्राम आप ओपन करेंगे तो इस सेल्फ क्लीनिंग का जैसे आप चालू करेंगे तो अंदर आपका जो डिस्पोजल है वो पूरा तरह से क्लीन हो जाएगा। माइटी डिस्पोजर को A++ रेटिंग दिया गया है क्योंकि ये बहुत ही कम पानी और बहुत ही कम पावर कंजप्शन भी इसका बहुत कम है कंपेयर टू अदर डिस्पोजर्स, तो ये काफ़ी अच्छा है। आप इसको फ्लिपकार्ट से डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हैं। इसका कॉस्टिंग समथिंग 30,000 के समथिंग कॉस्टिंग है। और थैंक यू सो मच, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और आने वाले वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।